हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम का नेक्स्ट मूव क्या है, और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं और ढेर सारे लार्ज कैप कॉइन्स की कि उनका प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो आने वाले समय में क्या रहेगा। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन। अगर आपको याद होगा तो हमने हमारे पुराने वीडियो में बात किया था कि हमें वेट करना है ये हमारे ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट का और उसके सक्सेसफुल रीटेस्ट का, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ, ये एक एक्चुअल ब्रेकआउट है और फेक आउट नहीं है, और वहीं पे हम लॉन्ग ओपन करेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये जो इसका रीटेस्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा, हमारी कैंडल्स जो है वो एक ही कैंडल जो है वो डेली का ऊपर उसके क्लोज हुआ और दूसरा उसके सीधा नीचे आ गया, तो इसलिए हमने वहां लॉन्ग ओपन नहीं किया। और अभी हम वेट करेंगे कि हमें जो एग्जैक्ट लॉन्ग है वो कहाँ पे ओपन करना है। तो अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन जो है वो फिलहाल एक रेंज में है, लेकिन हम जो हायर हाइज जो है वो बना रहे हैं, तो हम अपना ट्रेंड तो एटलीस्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमें वेट क्या करना है, हमें वेट करना है हमारे ये बेरिश डाइवर्जेंस के खत्म होने का। तो जिसका मतलब क्या है, आपके पास एक और अभी मौका आएगा बिटकॉइन में घुसने का, तो एक और हमें अभी ड्रॉप दिखने वाला है आने वाले समय में। तो अगर आप देखेंगे जो हाई है, मैं एक काम करता हूँ, पहले सबको हाइड कर देता हूँ। हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे एक हाई बना रहे हैं, RSI में लोअर हाई है, प्राइस में हायर हाई है, फिर एक और लोअर हाई है बट प्राइस में हायर हाई है। तो जिसका क्या मतलब है कि ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है, नेगेटिव साइन है कि हाँ, बिटकॉइन जो है वो नीचे गिरने वाला है एक बार और। तो अभी हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, या तो हम इसे इस प्राइस ये मूविंग एवरेज जो है EMA 21, तो देखिए ये फिलहाल जो है वो 52,735 US डॉलर्स पे है, या तो हम बिटकॉइन को यहाँ खरीद सकते हैं। और उसके बाद अगर ये और एक डिप देता है हमें 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, तो हम इसे वहां पे भी खरीद सकते हैं। तो हमें दो बाइंग जोन रखने चाहिए। तो जब तक ये नीचे आएगा तो आप देखिए ये यहाँ आएगा और ये भी जो है मूव होके थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो बाइंग जोन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे जो कि है 48,000 पे। तो यहाँ हमें फिर से वो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से ही जाना है, 25 25 और 50। तो आपको 25% यहाँ खरीदना है, जो रहेगा आपका 52,838। 25% हमें खरीदना है यहाँ जो रहेगा 48,000, और ये 44,000 ऐसा है जहां पे आप आंखें बंद करके बिंदास आप अच्छा बिटकॉइन 50% अमाउंट का खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 75,000 डॉलर्स ही रहेगा। तो आप देखिए, यहाँ से अगर हम 42,000 तक जाते हैं तो हमारा जो क्रैश रहेगा वो रहेगा 28% का, जो बिटकॉइन में काफी नॉर्मल है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हमने यहाँ से भी 25% का जो क्रैश है हमने दिया था, ये हमारे प्रीवियस हाई से नीचे तक अगर आप जाएंगे तो ये देखिए 24.7, तो ऑलमोस्ट 25% का था, लेकिन उसके बाद हमने एक सॉलिड मूव दिया 30% का ऊपर। तो अभी भी ये मुझे नहीं लगता वापस 44 तक आएगा, मे बी एक वेक, क्योंकि हमें वैसे भी हायर हाई की पॉलिसी के हिसाब से चलना है। तो आप देखिए एक हायर सॉरी हायर लो की, तो शायद ये एक हायर लो बनाएगा और फिर हमारे टारगेट की तरफ। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बेरिश डाइवर्जेंस का वो खत्म होने के बाद हम जो है लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। और अगर बेरिश डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम पे है दोस्तों, तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत सॉलिड रहता है। तो हमें ध्यान देना है RSI के यहाँ ब्रेक होने का, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भी एक पेनेंट ही बन रहा है, तो ये देखिए एक अच्छे ट्रेंड में ये चल रहा है, तो हमें वेट करना है। या तो हम इसे यहाँ बाय कर सकते हैं, या RSI को टूटने दीजिए और नीचे आने दीजिए, और प्राइस भी जो है वो अब धीरे धीरे नीचे आएगा और वहां से हम लॉन्ग ओपन करेंगे। अब बिटकॉइन के बाद हम बात करते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी 21 जो है मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, लेकिन हम इसे कहाँ बाय करेंगे, 50 मूविंग एवरेज पे, क्योंकि ये एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट रहेगा। और ये सिर्फ मूविंग एवरेज नहीं,
आप देखिए जो हम लोअर ट्रेंड लाइन जो हम बना रहे हैं, जो हमें यहाँ पे भी सपोर्ट था, तो मैं काम करता हूँ एक सेकंड के लिए, एवरेज इसको बंद करता हूँ। हाँ, तो अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे भी एक बार उसने हमें सपोर्ट दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, तो अभी भी चौथी बार भी हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलने ही वाला है और फिर हम ऊपर जाएंगे। और इथेरियम तो बहुत ही बुलिश है, इसमें अभी तक वो पैराबॉलिक मूव आया नहीं है, तो इथेरियम तो हम लोग बिंदास दिल खोल के इसे खरीद सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और जिस दिन इथेरियम 2.0 लॉन्च हुआ, तब सब ऑल्ट कॉइन्स, चाहे वो एडा है या फिर मेटिक है, सबकी बैंड बचने वाली है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसको तो जरूर जहां मौका मिलता जाए बाय करते जाइए और होल्ड करते जाइए। ओके, और मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, इसको जल्दबाजी में ट्रेड मत करें, ये बहुत ही अच्छा कॉइन है। हाँ, अगर तो आपके दो पोर्टफोलियो, एक आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो लेके चल रहे हो, तो वहां बिटकॉइन और इथेरियम को कभी मत बेचे, ये बेचने वाले कॉइन्स नहीं है दोस्तों। अगर आपका दूसरा पोर्टफोलियो जहां आप ट्रेडिंग करते हो, तो वहां डेफिनेटली आप खरीदना बेचना जो है रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इथेरियम को इन्वेस्ट होल्ड करेंगे ना, यहाँ इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा पैसा कमाते हैं ट्रेडर्स से। ओके, ये हमेशा याद रखिए। तो अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो बड़ा कॉइन है वो है बीएनबी। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाला कॉइन है, बहुत ही सॉलिड। ये कॉइन जो है आप देखिए, कुछ महीने पहले ये 15, 20, 16 डॉलर पे चल रहा था, मैंने भी इसे वहीं खरीदा था 15, 16 डॉलर पे, और आज इसका दाम देखिए। और ये जो दाम है, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, और इसकी वजह क्या है, बिनेंस अभी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, सबसे बड़ा एक्सचेंज। और आप देखिए, जितना भी प्रॉफिट इन लोगों को होता है, एक्सचेंज वालों को, वो उससे क्या कर रहे हैं, वो अपने टोकन्स को खरीदते हैं, और खरीदने के बाद वो अपने टोकन्स को जो है वो बर्न कर देते हैं, जिससे उनके टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट कैप उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर आप देखिए सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ती जाएगी, तो उसका दाम ऐसे ही बढ़ेगा। एक एक मतलब हफ्ते में आप देखिए, ये 800% का प्रॉफिट, इतना सुपर सॉलिड प्रॉफिट ऐसे कॉइन्स आपको देते हैं। और ये कॉइन्स ऐसे हैं जो आप बेचने नहीं चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि इनके एक्चुअल फंडामेंटल्स आपको दिखते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, एक बैलेंस शीट है, एक प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉस हो रहा है, और जितने भी ये लेवरेज ट्रेड्स हैं, जितने भी लोग ये लिक्विडेट होते हैं, वो सबका सब पैसा इन एक्सचेंज को ही जाता है। तो ये भी अगर आप देखेंगे बीएनबी, तो ये एक रेंज में ही है, ये उसका प्रीवियस जो है हाई था, उसने दो बार अपने हाई को टेस्ट कर लिया है, लो को अभी तक उसने सिर्फ एक ही बार टेस्ट किया है। ओके, ये रेंज के लो को, तो जो कि है 183 डॉलर्स का। अभी भी अगर आप देखेंगे, तो हम लोग सपोर्ट लेके बैठे हैं EMA 21 का, और EMA 50 जो है वो एग्जैक्ट हमारे जो है लोअर सपोर्ट लाइन के ऊपर है। ओके, तो इसमें बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं है, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये RSI भी जो है वो हायर हाई था, ये लोअर हाई है, वैसा ही है, विच इज गुड। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बिटकॉइन की, अगर बिटकॉइन क्रैश होता है, तो वो इन सब कॉइन्स को साथ लेके डूबता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ये डेफिनेटली होल्ड वाला ही कॉइन है, जिसको खरीदे धीरे धीरे और अपने पास स्टोर करे। इन केस अगर ये यहाँ नीचे आता है और आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखते हैं, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली वेट करें, इससे हमारे ये बाइंग जोन में आने दें, और उसके बाद उसे होल्ड करें हमारे नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो रहेगा $500 का। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है दोस्तों, और इसे आप बिनेंस पे खरीद सकते हैं, और भी ढेर सारे वेबसाइट्स हैं जिसपे आप इसे खरीद सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो पे भी किसी ने तो मुझे बोला था कि हमें बताइए कि हम ये टोकन सब खरीद कहाँ से सकते हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी एक टेक्निक बताता हूँ। आप क्या करिए, ये coinmarketcap.com की वेबसाइट पे जाइए, अपने कॉइन को सर्च कीजिए। ओके, कॉइन को सर्च करने के बाद आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको जो है बिनेंस कॉइन की मार्केट्स मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सी ऑल मार्केट्स करेंगे, तो आपको समझेगा कि ये टोकन आपको कहाँ मिल सकता है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे, तो आपको ये मोस्टली बिनेंस के ऊपर ही ट्रेड होता है, फिर कूकॉइन है, FTX है, बिनेंस US है, तो ये वो ढेर सारे एक्सचेंजेस हैं जहां पे आप इसको खरीद सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कॉइन खरीदना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आप कहाँ से खरीद सकते हैं, आप ये सिंपल से स्टेप्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए BNB के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है वो है एडा। बहुत ही अच्छा टोकन है, सबको इसने भर भर के प्रॉफिट दिया है। ओके, और
और अब अगर आप देख सकते हैं तो इसमें हमें क्रैश आया है, ये कुछ 20 या 25% का क्रैश है जो बहुत ही नॉर्मल है। और आप देखिए जब तक इथेरियम 2.0 नहीं आता तब तक ये कॉइन जो है वो राजा ही है, ना ये गिरने वाला है ना ही आपका पैसा डुबाने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। सिर्फ एक बेयरिश थिंग इसमें क्या हो गई है कि हमने जो है हमारा ईएमए 21 जो है उसको तोड़ दिया है और वो अब हमारा जो है वो रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, तो इसमें लॉन्ग ओपन करने से पहले हमें वेट करना है कि या तो ये ईएमए 21 टूटे और फिर वो इसका सक्सेसफुल रीटेस्ट करे, उसके बाद हम इसे होल्ड कर सकते हैं हमारे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए जो रहेगा $1.5 के करीब। नहीं तो जैसे मैंने बोला था 0.618 जो है यहाँ आप थोड़ा सा इसे बाय कर सकते हैं और 0.786 पे इसे अच्छा बाय कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये उससे नीचे ये कॉइन जो है वो जाएगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, बहुत लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं, बहुत लोगों की आंखें हैं इस कॉइन के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ओके, और ये जो है आपका नीचे सपोर्ट रहेगा, यहाँ आप ये में 55 पे उसे ले सकते हैं या फिर आप इसे जो ये नीचे वाला सपोर्ट लाइन है इस पे आप बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ईएमएस आपको नहीं पता या आपको अपने चार्ट पे भी ईएमएस रखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंडिकेटर्स के ऊपर जाइए। ओके, अगर आपको ये अपने चार्ट पे बनाना नहीं आता है, और वहां पे आप क्या करेंगे, एस एम ए बाय ए जी एस। ओके, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे 5 MAs इन 1 इंडिकेटर। तो जैसे मैं फ्री वाला ट्रेडिंग वे ट्रेडिंग व्यू जो है यूज करता हूँ तो मैं ढेर सारे इंडिकेटर्स नहीं खरीद सकता या नहीं अपने चार्ट पे रख सकता। ये अच्छे इंडिकेटर्स है जहां पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ जाके इसके सेटिंग्स में देखेंगे तो देखिए ये आपको SMAs भी देता है जो है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, वीकली मूविंग एवरेजेस। तो मैंने अभी सेटिंग्स क्या करके रखे हैं, अगर आप मेरे इनपुट्स में जाएंगे तो मैंने सिर्फ ईएमए को सेलेक्ट किया है और जो मेरे सेटिंग्स हैं वो क्या है 13, 21, 55, 100 और 200। और फिर आप स्टाइल में जाके आपको जो जो चाहिए वो सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ ये में 2 और 3 सेलेक्ट किया है जो है मेरा 21 और 55। ओके, तो बहुत सिंपल है, ये आपके चार्ट्स पे जरूर रहना चाहिए क्योंकि ये आपको बताता है कि कॉइन को सपोर्ट कहाँ मिलेगा। ओके, देखिए अभी एडा भी जो है वो भी बहुत अच्छा कॉइन है, फॉलिंग वेज में है। अगर मैं आपको ये ट्रेंड लाइन में वैसे भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वैसे भी हमने हमारे फिबोनाची को भी डिलीट कर सकते हैं चलेगा, तो वैसे भी हमें पता है 0.618 और 0.786, और मैं ये ट्रेंड लाइन को भी डिलीट करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छे फॉलिंग वेज में है, तो हम फॉलिंग वेज का भी जो है ब्रेकआउट देख सकते हैं क्योंकि वो भी एक सेफ है जहां पे आप ट्रेड जो है ओपन कर सकते हैं। तो वेट करिए इसे ब्रेक करने का, रीटेस्ट करने का, और यहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। ओके, तो एडा के बाद अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टोकन की जो है डॉट। दोस्तों ये कॉइन के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है। मुझे आज भी याद है जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था तो इसके जो डेवलपर है वो इथेरियम के बिगनिंग में जो को डेवलपर्स थे उनमें से एक है। ओके, और उनको उन्होंने ये डॉट टोकन क्यों वो लेके आए हैं, क्योंकि इथेरियम में जो जो भी इश्यूज है तो उन्होंने एक एडवांस वर्जन ऑफ इथेरियम बनाया है। और ये टोकन जब मैंने खरीदा था तो कुछ $2 या $2.5 का खरीदा था, बट मैंने कभी उसके बाद इसका ट्रेड उसको बेचा नहीं क्योंकि मैं फंडामेंटली मुझे पता है ये टोकन बहुत ही स्ट्रांग है और ये top 5 में आने वाले टोकन्स में से है। अभी फिलहाल अगर आप इसका रैंक देखेंगे तो आई थिंक ये top 6 में है, लेकिन ये top 5 में आने का दमखम रखता है। ये बहुत ही स्ट्रांग कॉइन है और इससे तो मैं कहूंगा जितने भी डिप्स आए इसे सिर्फ चुपचाप खरीदे और होल्ड करे, इस कॉइन को बेचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और सोचे भी मत बेचने वाला ये कॉइन है कि नहीं। तो ये आपके बिटकॉइन, इथेरियम और डॉट, ये उतना बुलिश टोकन है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो फिलहाल हम जो है हमारे ईएमए 21 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अभी एक रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है। ओके, तो अगर आपको इसको बाय करना है तो ये हमारा जो पहला डिप रहना चाहिए वो रहना चाहिए ये बाइंग जोन। और मुझे लगता है जब तक ये नीचे आएगा हमारा ईएमए 55 भी जो है वो भी ऊपर आ जाएगा, तो $30 के अराउंड आप इसे बाय करने का सोच सकते हैं। तो ये हमारा पहला बाइंग जोन रहेगा।
हमारा जो दूसरा बाइंग जोन रहेगा वो ईएमए 55 रहेगा, क्योंकि शायद वहां से ये ऊपर निकल जाए और फिर उसके बाद नीचे नहीं आए। इन केस अगर इसने विक मारा तो 25-26 डॉलर, अगर आप बहुत ही लकी है तो शायद ये वहां नीचे आ जाए। ओके, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है दोस्तों ये, तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके इस कॉइन को खरीद सकते हैं और होल्ड कीजिए, खरीदे अपने वॉलेट में, ऑफलाइन वॉलेट में डाले और भूल जाए, इसे बेचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। डॉट के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉइन है लाइट कॉइन। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉइन है, बहुत ही ये धीरे चलता है, बिटकॉइन को फॉलो करता है, लेकिन जब ये कॉइन मूव करना शुरू करेगा तो 10 दिन में ये आपको आप पैसा जो है वो 10 गुना 15 गुना कर देगा और आप इसे अपने प्रॉफिट सब लेके बेच के शांति से बाहर बैठे। ये मैं होल्ड करने के लिए नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए जो बिटकॉइन है वही लाइटकॉइन करता है, बट हाँ थोड़ा तेज है, फीस नहीं है या बहुत कम फीस है, अच्छा टोकन है, बट ऐसा कुछ अलग नहीं है जिसकी वजह से आप इसको होल्ड करके रखें। तो इसमें बहुत सिंपल ट्रेड है, ईएमए 21 का हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं और ये मैंने आपको शायद एक पुराने वीडियो में भी हमारे बताया था, वीकली बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग। जैसे ही वो इसको तोड़ेगा 257 को, और डेफिनेटली बहुत जल्दी उसको रिटेस्ट करेगा, तो आप देखिए हमारे जो टारगेट है वो शायद से $500 $1,000 भी आपको दे सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला कॉइन है, लेकिन हाँ वो ऐसा नहीं है कि आप पोर्टफोलियो में इसको संभाल के रखे, स्टोर करके रखे, बिल्कुल वैसा मैं आपको नहीं सलाह दूंगा। हमें अभी क्या करना है, ये ईएमए 21 के सपोर्ट पे है, बट हाँ अगर बिटकॉइन नीचे गिरेगा तो ये डेफिनेटली गिरने ही वाला है, क्योंकि ये बिटकॉइन को बहुत क्लोजली फॉलो करता है, तो इसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खरीदे, वेट करें कि ये आपको 175 180 का जो है एक डिप दे और वहां पे आप इसको बाय करें। ओके, लाइट कॉइन के बाद जो हमारा टोकन है वो है यूनी। अब ये जो है ये बीएनबी का छोटा भाई, आप बोल लीजिए डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, और ये हमने बहुत पुराना इस पे ट्रेड ओपन किया था और मैंने तब भी बोला था कि ये अभी एक मस्त पैराबोलिक मूव में है, और अब देखिए हमारा जो टारगेट था वो था $42 का और मुझे लगता है ये बहुत जल्दी वो अचीव कर भी लेगा, तो ये वैसा अच्छा टोकन, उतना सही टोकन है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप देखिए अभी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में ये सबसे बड़ा जो है वो एक्सचेंज है, गैस फीस इतना ज्यादा है जो माइनर्स को जा रहा है और ट्रेड एक्सचेंज को भी वो फीस का कुछ हिस्सा मिलता है। ओके, तो जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, सब लोग जो है नए कॉइन सबसे पहले अभी यूनी के ऊपर ही लिस्ट कर सकते हैं और कोई भी अपना कॉइन वहां पे लिस्ट कर सकता है, मतलब आपको जैसे बिनेंस है वहां पे तो वो एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि उसको क्या ओपन, क्या लिस्ट करना है क्या नहीं, बट यहाँ कोई भी जाके अपना कॉइन है डिप्लॉय कर सकता है जिसमें फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली ध्यान दें कोई भी कॉइन खरीदने से पहले अपना रिसर्च करें। ओके, और इसमें भी अभी आप क्या देखिए ये बहुत स्ट्रांग है, ये भी बीएनबी की तरह, इसको भी खरीदे और डेफिनेटली होल्ड करके रखें, और अभी आप क्या कर सकते हैं, वेट करें, बहुत ऊपर है ये टोकन अभी खरीदने के लिए, लेकिन वही है डिप्स पे खरीदे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा जो है सपोर्ट जोन उसने बनाया हुआ है, पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद आप देखिए कितनी बार उसने उसको टेस्ट किया है एज ए सपोर्ट। ओके, और ये हमारा जो है ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा आप, मैं कहूंगा 25 नहीं, इस केस में तो मैं कहूंगा कि 20% ही खरीदे ईएमए 21 के ऊपर, और जो 30% है वो आप ईएमए 55 पे खरीद सकते हैं जो कि यहाँ रहेगा। ओके, और फिर आप इसे जो है होल्ड कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि $16 का डिप हमें अब दोबारा देखने को मिलेगा, बट अगर मिला तो वो बहुत ही लकी रहेगा, लेकिन ये दो बाइंग जोन्स तो आपके जो है वो सेफेस्ट है। ओके, यहाँ 20% और यहाँ पे 30%, अगर डिप हुआ तो यहाँ पे 50%, और अगर इनकेस डिप नहीं होता तो अपने हाई को तोड़ने दें, रीटेस्ट करने दें और वहां पे खरीदें। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो XRP है, बहुत रिस्की टोकन है लेकिन चार्ट वाइज सुपर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, हमने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था और मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है जिसका टारगेट जो है वो बहुत सॉलिड $1 का रहने वाला है, और अगर $1 हिट हुआ तो इथेरियम, ओ सॉरी, ये XRP कब $3 $5 टच करेगा,
समझ में भी नहीं आएगा, ये रातों रात ये कॉइन ऐसा जो है बढ़ सकता है। और वैसे भी इसका जो SEC फाइलिंग हुआ था तो XRP का CEO जो है वो उसको SEC को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और मे बी उसके बाद ये कॉइन जो है वापस बढ़ना शुरू कर देगा। ओके, तो ये अच्छा बाइंग जोन है वहां, नहीं तो ये 0.618 जो हमारा रहेगा, 0.35, वहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और 0.786। लेकिन अगर ये कॉइन इसके नीचे जाता है तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो इनवेलिडेट हो जाएगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखें। ओके, और ये भी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। ओके, अगेन वही फंडामेंटल्स के लिए ही मैं बात करूंगा, बट आप इसे खरीद जरूर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। लिंक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग, तो बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, यूनी और लिंक, ये टोकन ऐसे हैं जो आपको होल्ड करने हैं और भूल जाना है होल्ड करके। बहुत स्ट्रांग टोकन है ये, ऐसा टोकन है कि अगर बिटकॉइन भी क्रैश हो रहा होगा तो ये अपना अलग चल सकता है और बढ़ सकता है, इसको बिटकॉइन से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी है और फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, हमने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। EMA 55 पे है, बेहतरीन स्पॉट है खरीदने के लिए, बिल्कुल खरीदे। उसके बाद हमारा जो सेकेंड बाइंग जोन रहेगा, इन केस अगर ये क्रैश हुआ तो 20 या $21 के आसपास, जो प्रीवियस इसका था 20 था, उसके बाद था 22, तो मैं आपको वही कहूंगा कि आप इसको जो है नेक्स्ट आपका बाइंग जोन रहेगा वो रहेगा 24। 24 के नीचे अगर आता है तो खतरा बनेगा इस पे, बट मुझे नहीं लगता ये 24 के नीचे जाएगा, और इसको आप वहां पे जो है अपने लॉन्ग में ऐड कर सकते हैं। तो अगेन ये 25 और 25 यहाँ, इन केस अगर 20 पे आया तो 25 50% यहाँ, और खरीदे और भूल जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोकन है दोस्तों। हमारा आज का जो लास्ट टोकन है वो है BCH। ओके, अगेन फंडामेंटली मैं नहीं कहूंगा ये भी, क्योंकि बिटकॉइन का ही कॉपी है, बट ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बिटकॉइन का जो है वो एक उसी का डेरिवेटिव है, तो बहुत बिटकॉइन के साथ इसका प्राइस कोरिलेट करता है, तो जैसे बिटकॉइन बढ़ता है तो ये भी बढ़ता ही है काफी उसके पीछे पीछे तेज तेज, तो इसमें भी वैसा ही। अगर आप देखें तो हमारा जो बाइंग जोन पे ही है ये 55, जो कि $510 का, और उसके अलावा हम वेट कर सकते हैं अगर ये क्रैश करता है यहाँ नीचे 443 या $450 पे, और इसे होल्ड करेंगे 774, और ये बुल रन में बहुत इजीली $1,000 टच कर देगा, अपना प्रीवियस हाई जो है 774 ये उसे तोड़ेगा, और अपना $1,000 का जो है टारगेट है वो बहुत आराम से ये तोड़ देगा, और इसका ऑल टाइम हाई जो है वो $5,000 का है। तो देखिए हमारे पास बहुत जगह है अभी ऊपर जाने की, बट अगेन क्विक ट्रेड, ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से ही इसे खरीदे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं सलाह नहीं दूंगा। ओके, तो अगर आपको आपके किसी और कॉइन का भी एनालिसिस करवाना हो तो जरूर हमारे वीडियो पे कमेंट करें, हम उसका भी एनालिसिस जरूर करेंगे। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे ये जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे हम ये डेली ट्रेड जो है वहाँ पोस्ट करते हैं, हम लाइव अपडेट देते हैं, और वहाँ बाकी सब ट्रेडर्स एक दूसरे की मिलके हेल्प करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।